my name is Ashish Patel. I'm from Madhya Pradesh. I'm here pursuing agriculture engineering, College of Agriculture Engineering and Post Harvest Technology, Ranipur, Sikkim. कॉलेज की यदि बात करते हैं तो फीस की इस कॉलेज की आई थिंक मुझे लगता है सभी कॉलेज में भारत की इस कॉलेज की फीस सबसे कम है। इसकी बीटेक की फीस है यूजी के लिए 4280 रुपीज़ विथ हॉस्टल इंक्लूडेड दैट वन फीस। उसमें हॉस्टल ओनली फॉर घर वालों से 1 रुपया लेना नहीं पड़ेगा घर। और हाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है तो घर वाले से कोई पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, साथ लेते हैं बच्चे। या यहाँ से एक बार कैंपस का व्यू दिखा देते हैं। या बिल्कुल दिखाइए। तो जैसे ही आप गेट के अंदर आएंगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। पूरा ये कैंपस है कॉलेज का, यहाँ से लेके ये इधर आपको हर एक बिल्डिंग जो दिख रही है कॉलेज कैंपस के अंदर। और हाँ तो ये वाली बिल्डिंग जो आप दिखा रहे हैं ना, ये नीचे में जो बिल्डिंग है वो आज हॉस्टल है। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है, ये जो जिसमें ब्लू कलर है छत में, ये वर्कशॉप है। और उसके बाद नॉर्थ अकेडमिक, फिर साउथ अकेडमिक, और ए ऊपर से इधर का दिखा दीजिए आप। आप यहाँ से रानीपुल जाने के लिए, यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास रानीपुल है, मार्केट है जो इस प्लेस का, वहाँ पास कुछ भी चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है, ट्रेन से, बस से, कैसे आप कैसे? कहाँ से आना चाहते हैं, मतलब अगर नॉर्थ से आना चाहते, अगर नॉर्थ से बच्चा आ रहा है तो कैसे यहाँ पे पहुँचे? देखिए नॉर्थ से दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली से पक्कियों के लिए फ्लाइट चलती है, जो हमेशा नहीं चलती पर क्योंकि यहाँ का वेदर होता है मैक्सिमम टाइम फॉगी होता है तो मैक्सिमम टाइम फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इसलिए जब दिल्ली से इधर अपने न्यू जलपाईगुड़ी तक आना पड़ेगा, ये सिलीगुड़ी स्टेशन भी है, वहाँ के लिए भी ट्रेनें मिलती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, आप एंड SNTC से बस भी ले सकते हैं जिसका फेयर बहुत कम है, बट वहाँ से फेयर ऐसे जब नॉर्मल अभी प्रेजेंट टाइम में लैंडस्लाइडिंग हो रखी है तो मेन रास्ता बंद होने की वजह से हमको 10 घंटे लग जाते हैं वहाँ से घूम के आने में, दार्जिलिंग होगी घूम को आपको आना पड़ता है। हाँ वहाँ रास्ते का आपको जो आनंद आएगा ना महसूस कर पाएंगे, बहुत सस्ता है और पढ़ना। और हाँ यहाँ फैसिलिटी की बात करते हैं, यहाँ टीचिंग स्टाफ बहुत बढ़िया, यहाँ लगभग यदि स्टूडेंट 20 हैं तो 10 टीचिंग स्टाफ है, ऐसा ये रेशियो है यहाँ का, इसमें आसानी से। और टीचर यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं। हाँ जैसे हम उतर गए, मतलब गैंगटॉक के पहले ही हमको उतर जाना है रानीपुल का जो उसके आगे थोड़ा सा। हाँ रानीपुल, आप रानीपुल ही उसको बोल सकते हैं, रानीपुल एग्रीकल्चर कॉलेज, तो आपको यहाँ पे उतार देंगे। एक बैडमिंटन कोर्ट है और ये जो ब्लू वाला है ये कैंटीन है, और ये अपना ओल्ड ऑडिटोरियम है, वो लाइब्रेरी और डीन ऑफिस एंड ए साउथ ब्लॉक। नीचे से देखेंगे अभी कैसा व्यू है। हाँ तो ये सीधा हमारा रास्ता, जैसे ही आप गेट के अंदर आएंगे जहाँ से हम एंटर कर रहे थे पूरा सीधा आ जाना है, और नीचे की तरफ आपको गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और कॉलेज कैंपस मिलेगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये आपको ये सामने और गेस्ट हाउस मिलेगा। सीधा आपको कॉलेज की तरफ जाना है तो नीचे जा सकते हैं, गेस्ट हाउस जाना है तो ऊपर जा सकते हैं इधर साइड। और ये जैसे स्टूडेंट के लिए, बाहर के मेंबर के लिए अलाउ नहीं है गेस्ट हाउस। अच्छा। बट यदि स्टूडेंट की फैमिली है, स्टूडेंट के रिलेटेड है तो यहाँ गेस्ट हाउस और उसको कम कॉस्ट में मिल जाएगा। गेस्ट हाउस कितना लगता है गेस्ट हाउस में? एक दिन का 1000 है, 1000। बट बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें आपको रूम हीटर AC एवरीथिंग मिल जाएगा। जैसे एडमिशन कराने आ रहे हैं तो सब साथ में आ सकते हैं और यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं और घूम के आराम से जा सकते हैं। आपको हॉस्टल है UG PG एवरीथिंग के लिए, और यहाँ से इस रास्ता गया है, यहाँ से PG के लिए आगे जाके PG के लिए है। PG बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है। हाँ एक गर्ल्स हॉस्टल और UG का बॉयज हॉस्टल अपने को यहाँ से लास्ट में, इस सड़क के लास्ट में आपको मिलेगा। ये एम्बुलेंस है आपको हमेशा परमानेंट यहाँ सिक्किम में, जब ज़्यादा इमरजेंसी पड़ने पर यहीं मणिपाल है, ऑल इंडिया टूर प्रोवाइड कराता है कॉलेज, नॉर्थ इंडिया टूर प्रोवाइड कराता है। ये वाला कौन सा ये बिल्डिंग है? ये है नॉर्थ अकेडमिक ब्लॉक बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर एंड सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन एंड इरिगेशन। ये डीन ऑफिस और लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, अभी इसको शिफ्ट नहीं किया गया है अभी। ये हमारे आप यहाँ पे टॉप फ्लोर में अकेडमिक है और लाइब्रेरी। क्लासेस कहाँ लगती हैं हमारी? क्लासेस हमारी इस बिल्डिंग में लगती हैं। अच्छा। और कुछ नॉर्थ में कर लीजिए। अच्छा। हाँ ये लाइब्रेरी है अपना
ये आपको देखेगा ए लाइब्रेरी यहाँ। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज डॉक्टर दिगंगना तालुकजर। ओके, योर डिपार्टमेंट? माय डिपार्टमेंट इज प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, सो हियर इन व्हिच पोस्ट आर यू पोस्टेड? आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। नो, आई यूज्ड टू टीच इन हॉर्टिकल्चर कॉलेज, बट अलोंग विद दैट आई यूज्ड टू टीच सम ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। ओके ओके, यस। सो सर, देयर आर सम एक्स्ट्रा कोर्सेज आल्सो? या, एक्स्ट्रा कोर्सेज, या। इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, देयर इज अ गुड the place here, the study environment is good. I've seen a lot of students have, after passing out, they have gone to the very, very good career, you know. So that's when we, and in fact, I am also the pass out student of CAU. Yeah, I'm enjoying this college. First of all, the college is nice, environment is nice. The climate is the best in Sikkim. Especially the Sikkim, the climate is so nice, safe for the girls. So I feel blessed by the God that I'm in this college. स्पेशली इन दिस प्लेस के प्रोफेसर्स लोग ना, हम लोग थोड़ा अपनो यू नो हम लोग थोड़ा सीखे है कि जब स्टूडेंट फ्रेंडली होता है ना, तो स्टूडेंट लोग ज़्यादा स्टूडेंट प्रोफेसर्स के साथ यू नो दे कैन इंटरेक्ट द एंड ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है ना स्टूडेंट लोगों का, वो अच्छा होता है। डिसिप्लिन तो हम लोग है, लेकिन साथ में साथ स्टूडेंट का बातें सुनते हैं, उन लोगों का काउंसलिंग करते हैं, उन लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं हम लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मशीनरी स्टोरेज है यहाँ, तरह तरह की मशीनरी जो कॉलेज में बनी है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, कुछ बंद पड़ी हुई मिलेगी। मशीनरी आपको देखने को मिलेगा, तरह तरह की मशीनरी यहाँ खुद की बनाई हुई मशीनरी है। ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने डेवलप किए अपने अपने डिजाइन से। हाँ, जितनी भी एग्रीकल्चर में यूज हो सकती हैं। ये मशीन जो है मिल्क के लिए, अच्छा, पर्वलाइजिंग, एवरीथिंग, ड्राइंग, मिल्क पाउडर बनाना, एवरीथिंग के लिए बहुत बारीक। और एक कॉलेज बस है जो कल इस समय बंद पड़ी हुई है, तो इसमें अभी बहुत बेकार दिख रही है। कहीं भी जाना हुआ तो कॉलेज बस प्रोवाइड करता है। ये अपना जन्नत है। और ये हमारा बसेरा जहाँ हमने अपने 4 साल पूरे कम्प्लीट किए। ये जो सामने जा रही है नदी है, ये नदी है, ये जो सन्न की आवाज़ आपको सुनाई देगी वो झरने की आवाज़। हमारे कूप है, दारू वाटर कूलर भी है, और वाटर कूलर की जरूरत नहीं, सीधा आरओ से पानी ले सकते हैं। यहाँ ठंड की जरूरत नहीं होती क्योंकि ठंडा पानी ठंडा होता है। अभी ये जो देख रहे हैं सीन, ये पूरा मैस है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, खाली खाली है, टेबल ऊपर रखे हैं। लेकिन ये पूरा सीन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सारे बच्चे खाना खाते हैं एक साथ। अभी ये आप देख रहे हैं, ये रसोई है, ये अपना जैसे पानी जल्दी खाना भोजन ठंडा ना हो जाए जल्दी, इसलिए अभी लाया गया है। इसका अभी इस्तेमाल नहीं क्योंकि बच्चे हैं नहीं, इसमें भी गर्म पानी वगैरह रखा जाएगा जिससे फूड जो है गर्म रहे, जल्दी ठंडा ना हो जाए वेदर की वजह से। यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, तो नाश्ता टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ मेन्यू डिस्कस करेंगे कि हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे कौन सा खाना मिलता है, क्या मिलता है, और मैथ्स की फीस यहाँ पे कितनी लगती है। लॉकडाउन के पहले तक 60 रुपीज पर डे थी, अच्छा, बट अभी प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया, अब मे भी बढ़ जाएगी, अराउंड 200-300 मिनिमम दैट कॉस्ट विल बी रिपेज। पराठा बहुत सही है, उसके साथ साथ चले फिट नंबर नाश्ता, नाश्ते में ये रहता है। हफ्ते में 3 दिन पराठे होते हैं, ऐसा नहीं रहता कि कंटिन्यू पराठे करते, जैसे एक दिन पराठा दिया, फिर एक दिन पूड़ी दिया, फिर पराठा, फिर समथिंग कुछ नया, फिर पराठा, फिर कुछ नया, फिर संडे को आलू पराठा होता है, वो फिक्स है। नाश्ते में कभी कभी 2 बार पूड़ी हो गई वीक में, कभी 1 बार ही हुआ, कुछ नया दिया, कभी पकौड़े बनाए, कभी मोमो बनवा दिए, सब कुछ नए, नई नई तरह की चीज़ें यहाँ बच्चे हैं जो मैनेज करते हैं उनका, वो सब क्रिएटिव करने चाहते हैं। और लंच में आपको राजमा मिलता है, कभी छोला मिलेगा, कभी पालक, रोटी का सीन ऐसा है कि आपको शाम को मिलेगा। अच्छा, जो बच्चा रोटी खाना चाहता है वो रोटी के लिए बोल सकता है, हाँ राइस दे सकता है वो भी, बट रोटी के लिए उसको पहले बोलना पड़ेगा। यहाँ के बच्चे राइस प्रीफर करते हैं, चावल दाल तो आपको दोनों टाइम मिलेगा, रोटी एक टाइम। कौन कौन से मिलेगा? एक सिक्किम की स्क्वैश हो गई, स्क्वैश और चिक्की की सब्जी है वो मिलता है, कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, समटाइम लेडी फिंगर हो गया, और डिफरेंट जो भी मार्केट में कुछ नया है, बच्चे को लगा कि हाँ बच्चे ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दें। मेस जो मैनेज करता है वो 30 ईयर स्टूडेंट मैनेज करते हैं, बट वो अपनी तरफ बेस्ट मैनेज करते हैं। अभी तक का पिछला सीन ऐसा है कि हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज होता था, चिकन होता था,
चिकन का एक दिन था, जस्टे फ्राइडे संडे, मंडे को एग हुआ करता था और थर्सडे को फिश हुआ करती थी। एक स्पेशल है मंथ के इंड वीक के संडे में बड़ा खाना होता, उस दिन अराउंड 15 टाइप वैरायटी दे विल बी प्रोवाइड यू। खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद हॉस्टल का टूर करवाते हैं, कैसा है हॉस्टल, बाथरूम, रहने का सीन, और वहाँ से सीन दिखाएंगे आपको सामने से कैसा दिखता है। पराठा, चना सब्जी, आलू एक करी, आलू सब्जी, सब इसको देख सकते हैं। आलू पराठा मतलब करीब 3 या 4 दिन नाश्ते में मिलेगा। हाँ, और इसमें अभी उतना ज़्यादा चिकन के बारे में नहीं बात की गई क्योंकि उस टाइम में जब ये मेनू बना तब वो बंद था। सर आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मीनाथ है। सर आपका नाम? भरत कुमार है। अभी सर आप एमटेक चल रहा था यहाँ पर? हाँ, एमटेक सेकंड ईयर पे हम दोनों। कौन सा ब्रांच था सर आपका? फार्म मशीनरी। कैसे सर सोचा आपने कि बीटेक के बाद फार्म मशीनरी में एडमिशन लेना है? बीटेक के बाद मैं तो कंटिन्यूस नहीं है, इसके बाद एक साल जॉब के लिए गया था। तो जॉब के लिए चलने के बाद, जॉब करने के बाद मेरे को सोचा था कि अरे यार जॉब में तो भी बढ़िया फ्यूचर नहीं है, तो शायद पहले डिग्री कर लेते हैं। पहले तो डिग्री करने के बाद होता है जॉब का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है हमारा स्टेट में। जब पीएचडी का लोग होता है उसको कम से कम डिमांड ज़्यादा है, वो उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है नहीं तो भी फ़र्क नहीं है, बट डिमांड तो ज़्यादा है, 40-50,000 कम से आराम से मिल जाता है। तो वो एक 10 साल ऐसा जॉब करते हैं बीटेक का बेसिस में, इसके बाद जॉब से बाहर आते हैं कोई कुछ गड़बड़ होके, तब फैमिली वो सब होता है, तब दिक्कत पड़ेगा ना। तो अभी डिग्री कर लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जैसा होता है हमारे पास, तो अगर ये एक नहीं है तो दूसरी कॉलेज को चल सकते हैं, ऐसा सोच के एमटेक को आ गया। आपका क्या था सर? मेरा सोच था कि आगे हायर स्टडी करूँगा तो जॉब के लिए, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया है अभी एग्रीकल्चर ही फील्ड में, मुझे मेकनाइजेशन में ही मुझे अपनी फ्यूचर बनाना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो इसके बाद सर जैसे आप सजेस्ट करेंगे कि एमटेक के बाद पढ़ाई करना चाहिए या फिर कुछ और, मतलब ये सही टाइम है कुछ नया करने का या फिर जॉब करने का? नहीं, वैसा नहीं है कि आपको टाइम तो हर समय मिलता है, अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। जैसे हमने अभी एमटेक कर लिया है तो यदि हमें हायर स्टडी करना है तो आप हायर स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो आप जॉब है तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है अपनी अपनी, पहले से थिंकिंग हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमने बीटेक किया, बीटेक के बाद हमारा था कि चलो एमटेक करना है करके, तो हमने एक गोल सेट कर लिया था कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, बस हिसाब से हमने अपनी पढ़ाई जारी रखा। तो मेरे बैचमेट्स भी वो लोग होते हैं ना आईआईटी में चलते हैं, उसका स्टैंडर्ड यहाँ मैं कितना भी पढ़ते हैं या कितना स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं उससे मेरे स्टैंडर्ड से वो सब लोग बहुत थोड़ा आगे ही है। तो शायद गेट का कॉलेज अच्छा होता है, गेट से ही पढ़ना पड़ता है, करना चाहिए जरूर करना पड़ता है। हाँ, आपको चेस भी मिलेगा, रखा हुआ है, चेस है, कैरम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ वॉशिंग मशीन की भी सुविधा है, ये मशीन है और एक ट्रेडमिल, दो ट्रेडमिल यहाँ रखी। फर्स्ट ईयर का बॉयज हॉस्टल, रूम नंबर डले हुए हैं, इधर लेट बहुत बना है, अभी सब रिपेयर, स्टूडेंट नहीं है तो मैंने सब मैनेजमेंट चल रहा है। जब आएंगे तो चकाचक मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पे सभी के नेटवर्क आते हैं, सबसे बेस्ट नेटवर्क कौन सा है मोबाइल का इधर? अच्छा, आपका एयरटेल में हमेशा नेटवर्क, मतलब एयरटेल एक ओवरऑल अच्छा चॉइस है इधर। लैकिंग इज अ क्राइम से नो टू रैकिंग, और यहाँ रैकिंग नहीं होती है। थोड़ा बहुत इंट्रो? नहीं, इंट्रो नॉर्मल, वो भी वन डे होता जान पे, फोर्थ ईयर रहता था जहाँ हम रहते थे, सीढ़ी के लेफ्ट साइड उधर, और ऐसे सेम बिल्डिंग ऊपर। ये मेरा रूम था 207, बहुत बेकार हो रखा है लॉकडाउन के बाद से, बिल्कुल ऐसा सीन मिलेगा आपको। ये वाला रूम देख लेते हैं, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ ना, लॉकडाउन के बाद अपन घर गए, जो बिगड़ा था तो बिगड़ा रहने दिया। रूम में आपको ये 3 अलमारी मिलेगी, ये 3 सीटर रूम है, एक साइड 3 सीटर है, दूसरे साइड 2 सीटर है, तो ये बेड इस तरह के मिलेंगे आपको। ये वाला टेबल स्टडी टेबल, बुक रख सकते हैं, स्टडी का भी है, और एक ट्यूबलाइट इधर है, ये लाइट्स हैं, सभी बेड के लिए अलग अलग ट्यूबलाइट, अलग अलग सभी बेड के लिए अलग अलग बल्ब है, पंखे, दो पंखे हैं यहाँ पे, लेकिन कवर कर लेंगे। और यहाँ सभी के लिए, सबकी बेड के पास सॉकेट बोर्ड है, दो सॉकेट है, एक दो, ये दो, और ये मेन सॉकेट है सभी के लिए। बाथरूम दिखाते हैं यहाँ पे, कैसा बाथरूम चल रहा है? एक गीजर लगा हुआ है गर्म पानी के लिए, आपको यहाँ जैसे हमेशा ठंडा होता है इसलिए गर्म पानी आपको चाहिए होगा, तो गीजर लगा हुआ है जिसे आप आसानी से,
यहाँ से व्यू देखेंगे आगे, देखिए क्या नेचर, पूरे पहाड़ दिखेंगे। और एक चीज़ आप बता दीजिए, हम जैसे बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल हो गई ये वीडियो, क्योंकि मणिपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मणिपुर में है, बट बच्चों को जब बीटेक यदि मिलता है उनको, तो यदि उनके अलॉटमेंट लेटर में आईसीआर वालों के लिए मणिपुर लिखा है तो उनको मणिपुर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सीधे सिक्किम आके यहाँ कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में सिक्किम नहीं लिखा होता है, क्योंकि आपको कॉलेज मिलना है CIPST रानीपुर सिक्किम, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का है। हाँ, वहाँ पे भी जाएंगे तो भी यहीं पे भेजेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे ओनली हाँ। आपका और आपको आना है अंत में यही। अच्छा, तो आप वहाँ परेशान ना होने जाके, हम परेशान हुए, हमारे बैच वाले परेशान हुए, हमने ट्राई किया, हमारे जूनियर भी कुछ लोग परेशान हुए, उनको ना जाना पड़े। लेकिन इस बार बच्चों को सभी को कॉन्टेक्ट करके, जो अभी जो फर्स्ट ईयर था लास्ट वाला, उनको कॉन्टेक्ट करके उनको बताया गया कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, तो उनको हेल्प मिली। बट आई थिंक इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी कि उनको मणिपुर जाना है उतना, क्योंकि परेशान होना, हाँ मणिपुरी बेस्ट प्लेस, आप वहाँ जाएंगे बहुत अच्छी जगह, घूमने के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन हाँ घूमने के हिसाब से जा सकते हैं, बट बच्चे को अर्जेंट काम चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो परेशान होने के लिए वहाँ ना जाए, तो आपको यहाँ के वही चीज़ सेम प्रोसेस यहाँ स्टे कर सकते हैं। हॉस्टल फीस तो आपको पता ही है भाई, हॉस्टल फीस कॉलेज फीस मिला के यूजी के लिए 4280 रुपये और पीजी के लिए 7400। अगर एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो कमेंट कर दें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें कि हम आ रहे हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी, उनकी रुकने की व्यवस्था करा दी जाएगी, या कुछ ना कुछ जितनी हेल्प हो सकती है यहाँ के किसी न किसी थ्रू आपको कराई जाएगी। सुबह उठिए, 5 बजे उठिए, आप देखिए कितना खूबसूरत जगह दिखती है। ये कुंदन पांडे जी हैं, ये हमारे साथ ही 4 साल कम्प्लीट किए हैं। हेलो, कॉलेज अच्छा है, प्लस इन्वायरमेंट अच्छा है, पढ़ने के लिए एक अच्छा जगह है, और थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपको मार्केट वाला माहौल नहीं मिलेगा, कि आप सोच रहे हैं कि मैं सिटी में जा रहा हूँ, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो एंजॉयमेंट यहाँ पे भी है। अब एंजॉयमेंट हर किसी के उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग डेफिनेशन है एंजॉयमेंट का, तो यहाँ मुझे मतलब अलग लगा, अच्छा लगा। और पढ़ाई के मामले में भी टीचर भी काफ़ी काफ़ी मतलब एजुकेटेड और वो है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आके पहले देख लें कि ओवरऑल आप देख लें एक बार कैसा आपको यहाँ लगता है, एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, इसके बाद ही डिसीजन लें। टीचर यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे आपको, आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, JRF की तैयारी करना चाहते हैं। आपके बैच में जितने भी लोग आए थे उसमें से कितने लोग अभी जॉब लेने वाले हैं, मतलब कितने लोग सेट हो जाने वाले हैं अभी? सेट मतलब 5 लोग तो गेट से निकल गए, गेट में 5 गेट में है, और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने ही मतलब जॉब के लिए वो किया है, और जो लोग आगे कुछ तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो भी है, तो मतलब सब लोग लगभग सेट ही हैं। इस वाले जब रूम आएंगे इस साइड वाले, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ व्यू दिखेगा, सीधे हॉस्टल में बैठ के आप अपने चाय के कप के साथ बादलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग यदि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए चाहते हैं अप्लाई करना, यहाँ पेमेंट सीट भी है जिसकी फीस 55K है पर सेमेस्टर, और उसको आप वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और थ्रू ICR प्लेन नॉर्थ का अंदर यदि आना चाहता है, नॉर्थ इधर नॉर्थ सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ को यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, और प्लेन का है तो यदि उधर साइड का है तो उसको ICR एग्जाम देके वो आ सकता है। और ये जगह बहुत ही बेस्ट है स्टडी के लिए, जैसे आप कुंदन ने बताया इन्जॉयमेंट, हाँ इन्जॉयमेंट बहुत है, लेकिन मैटर करता है कि आपको कौन सा वाला इन्जॉयमेंट चाहिए। किसी बच्चे को चाहिए कि सिटी लाइफ, सिटी लाइफ, और किसी को सुकून, हिमालय है यही पास में, कंचनजंगा है, जब थोड़ा ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो ये सामने उधर पहाड़ है जिसमें आपको बर्फ दिखेगी, बर्फ मतलब बर्फ से ढक जाएगा, इसमें शाइनिंग करेगा उसका अलग ही फील है, अब वो भी इंजॉयमेंट ही है। चलिए धन्यवाद।